नए ब्लॉगर्स हमेशा ये उलझन में रहते हैं कि कौन सा क्यूआर टूल इस्तेमाल करें ताकि उनको सही से पता चले कि आखिर लोग ढूंढ क्या रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसा होता नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन उनको शायद नहीं पता गूगल के पास ऐसा एक टूल है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्यूआर फाइंडर के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन हब के बारे में। एक ऐसा टूल है जो आपको एक्यूरेट और बहुत बढ़िया क्यूआर प्रोवाइड करता है। आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि लोग आखिर अभी कुछ टाइम पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ दिन पहले क्या ढूंढ रहे थे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्वेश्चन हब इस्तेमाल कैसे करें, तभी क्वेश्चन हब पहले स्टेज में था, अभी इसका इंटरफेस बदल गया है। और अभी उसका जो सर्च करने का तरीका है, जो उसका इंटरफेस था, बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप इसमें क्यूआर फाइंड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी में जानकारी। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर बटन दिखेगा, उससे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिस पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो चलिए मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और वहां पे देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन हब का इस्तेमाल कैसे किया जाए। होस्टगेटर में 2011 से इस्तेमाल कर रहा हूं। इनके वेबसाइट में आपको शेयर होस्टिंग, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर आदि ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारे कूपन कोड हिंदी में इस्तेमाल करिए, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये रहा क्वेश्चन हब का इंटरफेस। वो पिछले से बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं इसमें। पहले क्या था, आपको हर कैटेगरी ऊपर दिख जाता था, लेकिन अभी इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, आपको इसमें टॉपिक सर्च करना होगा। मैं इधर सर्च करता हूँ, पहले मैंने स्टारलिंग कुछ वगैरह सर्च किया था, मैं इधर सर्च करता हूँ ब्लॉगिंग, फैशन ब्लॉग, LSE ब्लॉग, इंस्टाग्राम ब्लॉग और आर्ट ब्लॉग, हेल्थ ब्लॉग, बहुत सारे टॉपिक आ गए हैं। मैं ब्लॉगिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे टॉपिक मिल गया, फ्री ब्लॉग कैसे बनाएं और पैसा कैसे कमाएं, एक मोस्ट टॉपिक है। NDT ब्लॉग को सर्च इंजिन के फास्ट पर्च पर कैसे लाएं, मतलब ऐसे ही मुझे बहुत सारे टॉपिक मिल गए। अगर मुझे किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है ताकि अगर मैं बाद में चाहूँ तो जो मैं आर्टिकल लिखूँ उसे सबमिट कर पाऊँ, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि अगर मैं ये टॉपिक अभी ढूंढा हूँ ब्लॉगिंग और थोड़ी देर बाद आकर मैं चेक करता हूँ, मतलब कुछ दिनों बाद, ये क्वेश्चन सर आपको ना मिले। लेकिन अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पे आप सेव कर लीजिएगा, फिर आपका जो इधर सेव ऑप्शन है इधर आपको चीज़ मिल जाएगा। ब्लॉगिंग में मैंने सेव किया था फ्री ब्लॉग कैसे बनाएं और पैसे कैसे कमाएं। फिर आते हैं माई हब पर और यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, जैसे सर्च करता हूँ मैं कंप्यूटर पोर्ट, कंप्यूटर मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर केस, बहुत सारा कंप्यूटर के बारे में हमें आइडिया मिल गया। ये रहा कंप्यूटर हॉस्पिटल में रिपोर्ट निकालने के लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें, और चाहे तो मैं इधर हिंदी कंप्यूटर कोर्स सर्च कर सकता हूँ कंप्यूटर। देखिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर स्मृति, कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सुरक्षा, कितने सारे टॉपिक मुझे मिल गए। क्या बीकॉम से ग्रेजुएशन के बाद साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही मुझे बहुत सारे टॉपिक मिल जाते हैं। मैं जो मेरा जो सेटिंग है उसको मैं रखा हूँ हिंदी में, अगर आप चाहते हो इसको इंग्लिश में रख सकते हो। जाता हूँ मैं सेटिंग में और यहाँ पे है मेरा जो क्वेश्चन लैंग्वेज है हिंदी, मैं ऐड करता हूँ। देखिए अभी बहुत सारा लैंग्वेज आ गया है, पहले दो या तीन था, इसको मैं रखता हूँ इंग्लिश। अगर मैं दोनों रखता हूँ तो दोनों लैंग्वेज दिखाएगा मुझे, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश चाहिए तो मैं इसे कर दूंगा डिलीट। अब करते हैं सर्च, फिर वही सर्च करते हैं कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर, करता हूँ मैं एंटर। अभी आपको क्वेश्चन कुछ दूसरे प्रकार का दिखाई देंगे, कंप्यूटर फाइल, कंप्यूटर इसको लेते हैं। अब सब क्वेश्चन भी कंप्यूटर फाइल जॉब्स मुंबई, कंप्यूटर साइंस टीचिंग जॉब्स मुंबई, आपको देखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो आप ऐड कर पाओगे। ऐसा नहीं कि कोई भी आया तो कुछ भी आप ऐड कर लोगे। कंप्यूटर लेता हूँ, ओके, ये वही सेम चीज हिंदी में ही आ रहा है।
कंप्यूटर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर टू डेज लीव फॉर फीवर, एप्लीकेशन फॉर क्लर्क पोस्ट इन हिंदी। ऐसे ही आपको बहुत सारे सवाल इस पर मिल जाते हैं। आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हो, हिंदी या इंग्लिश, उसमें आपको कीवर्ड टाइप करना है और आपको उस रिलेटेड क्वेश्चन जो हो ये दिखा देगा। आखिर ये क्वेश्चन आप कहाँ पोट कर सकते हो। आपके जो हेडिंग्स हैं, आपके जो सब हेडिंग्स हैं, जैसे कि एच वन टैग में इसको इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप इसको मेन आर्टिकल लेते हो, फिर उसमें एच टू टैग या एच थ्री टैग में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो एफ ए क्यू आता है, रैंक मैथ का एफ ए क्यू आता है, आप एफ ए क्यू में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने एक पूरा ब्लॉग इस क्वेश्चन हब के बेसिस पे बनाया था और उसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। मैं बिना कोई कीवर्ड इस्तेमाल किए उसमें ट्रैफिक ला पाता था और ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ डॉलर इनकम कर पाता था। यहाँ आपको मिल जाता है परफॉर्मेंस टैब। परफॉर्मेंस टैब में आप कौन सा क्वेश्चन में कितना आपका एसेस हुआ वो आपको इधर दिखा देता है। एक्चुअली ये मैं दूसरे अकाउंट से लॉगिन किया हूँ इसलिए मुझे शायद इतना डाटा नहीं मिल रहा है, लेकिन देखिए ये देखिए ये मैंने क्वेश्चन कुछ ऐड किया था तो ये सब मुझे दिखा रहा है। देखिए कि क्वेश्चन आंसर 827, आर्टिकल सबमिटेड, सर्च इंप्रेशन, सर्च, अगर मैं ग्रैंड एक्सेस करता हूँ तो मुझे सब दिखाएगा, लेकिन अभी मेरा दूसरा अकाउंट है इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा है। अगर वो मेरा दूसरा अकाउंट होता तो मुझे इसे पता चल जाता कि कितने सर्च आए थे और कितने क्लिक्स हुए थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।